नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं प्रयागराज जंक्शन जा रहा हूँ। अभी मैं रास्ते में हूँ और मैं अभी फाफामऊ के चंद्रशेखर आज़ाद पुल पर पहुँचा हूँ। प्रयागराज एक खूबसूरत सा शहर, इसको संगम नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तीन नदियों का मिलन होता है। दोस्तों आज मैं आपको प्रयागराज जंक्शन के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा। दोस्तों प्रयागराज जंक्शन पर मैं पहुँच गया हूँ और ये आप ही देख सकते हैं गेट। ये गेट के अंदर का व्यू है। ये टिकट घर बना हुआ है। ये टिकट घर सिर्फ मेला के टाइम पे ही ओपन होता है। यहाँ पर जब अर्धकुंभ, कुंभ या माघ मेले का आयोजन होता है तो यात्रियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण यह टिकट घर बनाया गया था। प्रयागराज जंक्शन एक खूबसूरत स्टेशन, जो काफ़ी बड़ा स्टेशन है और आप ये देख रहे हैं कि स्टेशन के बाहर का भी, यहाँ पर आपको पार्किंग की सुविधा आपको दिख रही होगी। यहाँ पर कमर्शियल गाड़ी, सवारी गाड़ी जो खड़ी है पार्किंग क्षेत्र में। एंट्री गेट के जस्ट बगल इंक्वायरी का काउंटर बनाया गया है, जहां पर आप अपनी ट्रेनों की स्थिति व प्लेटफॉर्म की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऋषि के जस्ट बगल एक छोटी सी प्रदर्शनी लगी हुई है वंदे भारत ट्रेन के लिए, जो एक छोटा सा आप देख सकते हैं वंदे भारत को ट्रेन को दर्शाया गया है यहाँ पर। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको बाएं साइड पर एक टॉय ट्रेन देखने को मिलेगा। यहाँ पर यात्रीगण आते हैं और इस ट्रेन के साथ, इस इंजन के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। काफ़ी पुराना मॉडल का इंजन है। और इसके बगल में आपको टिकट घर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जनरल टिकट व रिजर्वेशन काउंटर, आरक्षण टीम, सभी तरह के टिकट आपको यहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। दोस्तों अब मैं रेलवे स्टेशन के अंदर आ गया हूँ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर की बड़ी सी लॉबी, जहाँ पर यात्री लोग आते हैं, ये बैठते हैं, उन लोगों के लिए कुर्सी लगाई गई है और काफ़ी बड़ा सा लॉबी है। यहाँ पर एक समय पे काफ़ी भारी संख्या के लोग आ सकते हैं और रुक सकते हैं। दोस्तों आइए आपको प्रयागराज जंक्शन के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ देता हूँ। प्रयागराज जंक्शन, जो कि पहले इलाहाबाद जंक्शन के नाम से जाना जाता था, अभी कुछ ही साल पहले इस स्टेशन का नाम इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज जंक्शन किया गया है। यहाँ का स्टेशन कोड PRYJ है। यहाँ पर कुल 11 और 12 प्लेटफॉर्म हैं और टोटल लाइनों की संख्या लगभग 18 से 20 हैं। लगभग 200 से अधिक ट्रेनें इस स्टेशन से होकर के गुजरती हैं और लगभग 12 ट्रेनें इस स्टेशन से बंद करके चलती हैं और यहीं पर आकर के समाप्त भी होती हैं। दोस्तों अगर बात किया जाए कि प्रयागराज जंक्शन किस जोन में आता है, तो आपको बता देते हैं कि प्रयागराज जंक्शन उत्तर मध्य रेलवे जोन में आता है और यह इसका मुख्यालय भी है। प्रयागराज जंक्शन हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन और हावड़ा प्रयागराज मुंबई लाइन पर एक रेलवे स्टेशन है। इस रूट पर काफ़ी VIP ट्रेनें चलती हैं। इस रूट पर देश की पहली वंदे भारत ट्रेन, जो कि बनारस से नई दिल्ली को जाती थी, वो प्रयागराज होकर के ही जाती है। और आपको इसके अलावा शताब्दी, राजधानी, गरीब रथ, तेजस, इस तरह की काफ़ी VIP ट्रेनें आपको इस रूट पे मिलेंगी। देश के किसी भी कोने में अगर आपको ट्रेन से यात्रा करने के लिए जाना हो तो आप प्रयागराज जंक्शन पे आइए। आपको लगभग हर क्षेत्र पे, हर रूट की ट्रेनें आपको
यहाँ से मिल सकती हैं। इस स्टेशन पर आपको खाने पीने का सामान बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर क्यों ना हो, आपको हर प्लेटफॉर्म पर IRCTC के छोटे छोटे इंस्टॉल लगे हुए दिख जाएंगे और वहाँ पर आपको खाने पीने के सामान बहुत ही आसानी से उचित दाम पर आसानी से मिल जाएंगे। इस स्टेशन पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है और आपको यहाँ पर हर प्लेटफॉर्म पर वाटर वेंडिंग मशीन भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सस्ते दाम पर पानी, शुद्ध पानी पीने को मिल जाता है। इस स्टेशन पर रोज हजारों यात्री अपनी यात्रा को संपन्न करते हैं या शुरुआत करते हैं। पॉपुलर ट्रेन जो इस जंक्शन से होकर गुजरती है वो है प्रयागराज एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, हम सफ़र एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। ऐसे ही बहुत सी गाड़ियां हैं जो इस स्टेशन से होकर के गुजरती हैं। आप यह ट्रेन देख रहे हैं, यह ट्रेन सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस है जो कि अलीपुरद्वार जंक्शन से चलती है और पुरानी दिल्ली को जाती है। इस स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए दो द्वार बनाए गए हैं, एक द्वार जो शहर की ओर जाती है, दूसरा द्वार सिविल लाइन्स की ओर जाती है। यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए फुट ओवर ब्रिज काफ़ी चौड़ा बनाया गया है, जिससे भीड़ अधिक होने पर भी कोई प्रॉब्लम किसी को ना हो। दोस्तों, ये प्रयागराज जंक्शन का सिविल लाइन्स का छोर है, यहाँ पर आप एग्ज़िट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप एंट्री भी ले सकते हैं। और ये सामने आपको दिख रहा है, ये सिविल लाइन्स की ओर का टिकट घर, जहाँ पर आप जनरल टिकट ले सकते हैं और इसके बाहर आपको सवारियाँ भी मिल जाएंगी कहीं आने जाने के लिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।